देखिए श्रीमान जी, आज हमें आपको एक प्लॉट दिखाने जा रहा हूँ। उस प्लॉट तक पहुँचने के लिए मैं नगीना में हूँ, नगीना में मास्टर सरावत हुसैन, सहारा प्रॉपर्टी 50, सहारा प्रॉपर्टी 50 यूट्यूब चैनल है मेरा। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये मुनीम चौक सामने दिख रहा, मुनीम चौक है ये। तो मुनीम चौक से जो है एकदम ये तरह है, यहाँ पर ये तरह है, हाफिज इब्राहिम रोड है ये। और ये रोड उधर चली जाती है, बाहर बाहर निकल जाती, बड़ी रोड है ना। और जो ये मुनीम चौक जो मैंने दिखाया भी आपको, ये पेट्रोल पंप जो है डबल फाटक, रेलवे फाटक वहाँ जाते हैं, रेलवे फाटक की तरफ जाते हैं। मुनीम चौक पहले फेमस जगह है, वहाँ आते हैं। और यहाँ आने के बाद देखिए रास्ता है, मेरा कहना मतलब ये है इस चौड़े रास्ते पर ये चौराहा है। यहाँ से भी जो है बाज़ार में आप कह सकते हैं ये लोहा शराब की तरफ जाता है, ये लाल सराय वाले अगले वाले रोड मिलेगा, फिर लोहा शराब चला जाता है। देखिए ये सामने चौराहा, यानी कि एक तो हुआ है ये मुनीम चौक वाला, एक ये हो गया ये आपका अंदर काजी सराय वगैरह के लिए जाने के लिए, और ये हो गया पुलिस चौकी, लाल सराय पुलिस चौकी पर जाने के लिए। पुलिस चौकी के लिए उधर से भी रास्ता है, जब मैंने दिखाया यहाँ से भी है आसानी से। अब आप जो है मैं आप प्लॉट पर ले जा रहा हूँ जहाँ वो दिखाना है। मेरा ये कहना है सामने लाल सराय पुलिस चौकी सामने दिख रही है आपको ये, और ये रास्ता रोड पर चला जाता है सीधा, रोड जो लाल सराय से उसे लोहारी सराय से जो उस पर जाता है सीधा रायपुर वाले रोड पर चला जाता है। ये आपकी गाड़ी आ सकती है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, फोर व्हीलर आसानी से आएगी। ये जगह है आने के लिए, बड़ा सीधा सच्चा मैंने आपको बताया। और अब मैं वो दिखा रहा हूँ प्लॉट, प्लॉट ही कहेंगे। जी इतना ये यहाँ हाथ रखिए ज़रा सा, यहाँ यहाँ ये यहाँ से और इधर जहाँ तो वहाँ हाथ रखे भैया हाथ रखे, तो यहाँ तक इसका फ्रंट है। ये लगभग 14 फीट, ये लगभग 14 फीट है। ये शोरूम बनाने की मतलब की जगह आ गई, ये अपने बड़ी हवेली बनाई है, तो गाड़ी आप कैसा नहीं चली जाएगी हवेली में। और ये रास्ता है, ये सबका रास्ता है, भैया जी का इनका भी रास्ता है, और मुस्तर का रास्ता बोल देंगे हम इसको, जिनका बगान है ये भी है और ये भी रास्ता है। तो मुस्तर का रास्ता है आने जाने के लिए, और इनका ऑलरेडी हाँ ये बना हुआ है रास्ता, अपने हिसाब से जैसे बनाएगा आदमी। मेरा ये कहना है कि देखिए आप ये 14 फीट लगभग इसका फ्रंट है, शोरूम के मतलब की बनाने वाली जगह का है, या आप अपने मकसद से काम लीजिए। और ये 40 फीट यहाँ तक है, लगभग 40 फीट यानी है दीवार जो भैया हैं इन्हीं की है। और पीछे जो प्लॉट है इसकी लंबाई चौड़ाई भी लगभग 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 40 फीट इधर है, 40 फीट इधर है, और 40 फीट यह है। अब मैं अगली बात बताता हूँ आपको। यह प्लॉट एक बीच आबादी में है, आने जाने की लोकेशन बहुत अच्छी है, ये मकान बना है इधर बराबर में बना है, पीछे बना है, भराव का कोई मसला नहीं है, भराव तो ऑलरेडी पूरा है इसके अंदर, सड़क से ऊपर है, आप जैसे आप चाहेंगे। बाकी
अप डाउन करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं भैया का नंबर बता दूं, क्या नाम भैया का? नाम शुएब जी, मिस्टर शुएब साहब हैं। शुएब फादर नेम क्या? फादर नेम है इबादुर रहमान। उनके मोबाइल नंबर 8899033334, यानी कि 8899033334 ये उनके नंबर है। व्हाट्सएप पर कॉल आएगी और मैं भैया से बात करा रहा हूँ। भैया आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, वालेकुम अस्सलाम। बताइए, ये इनके बारे में बताइए भैया का पूरी बात। ये बेच रहे हैं ना इसको? जी जी हाँ, हम ये जगह बेच रहे हैं और इसकी हमें इस टाइम पर कोई वो चाहिए, ऐसा वो चाहिए कस्टमर जो बिल्कुल इसका इच्छुक हो जी। हाँ भैया, मैं कह रहा ये कितना, लगभग 260 वर्ग जी 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 कि आपको, ये हमारा प्लाट है पूरा 260 गज, और ये हम सेल कर रहे हैं इस टाइम पर, सेल कर रहे हैं, और वो भी सहारा जो प्रॉपर्टी वो है, प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीज के द्वारा। मैं मास्टर शराफत हुसैन जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस प्लॉट को बेचने में कोई जो लेने वाला आएगा जी, कोई भी आए, इससे तो आपको मतलब नहीं कि ये फला बिरादरी का फला, इससे मतलब नहीं, नहीं नहीं बेचने से ताल्लुक है ना, कोई मतलब नहीं है। प्लॉट बिल्कुल साफ है, किसी का कोई वो नहीं है, जगह का कुछ नहीं है। हाँ, यही पूछ रहा था। और इसके अंदर हमारे ये हमारे अब्बू के उस पर हैं नाम पे, और मेरी सभी बहनें वगैरह इस चीज़ पे इच्छुक हैं, इच्छुक हैं सर, ये जो है बेचना है ना। हाँ, और इस पर कोई भैया की, मेरे पास कॉल आई थी सर भैया की, तो उनके मुताबिक मैंने उनको बात की, मैं आया बनाने के लिए, खुद मिलेगा मेरे साथ ही हूँ। देखिए ये बिक्री के लिए है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, मौके की प्रॉपर्टी है, इसको देखिए और लीजिए। आप कोठी बनाइए, अपनी बंगला बनाइए, जोचा बनाइए, और मैं दोबारा से आगे बाहर की तरफ जा रहा हूँ, जो बताऊँगा इसके बारे में और कुछ। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए पास में नेहरू जूनियर हाई स्कूल है और पीछे खेतों वाली मस्जिद है बराबर में। ये आसानी के साथ में जब यहाँ आएंगे, नगीना पहुँचेंगे और पेट्रोल पंप यानी कि कहिएगा कि आप जो फाटक रेलवे फाटक है वहाँ पहुँचे, है ना। तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर ये दो तीन चीज़ें एकदम बहुत ज़्यादा फेमस जो है, मुनीम चौक है, वहाँ से खेत वाली मस्जिद पूछेंगे, सीधी गाड़ी आपकी सिर्फ प्लॉट पर आ जाएगी। यहाँ मेरा और ये कहना है, रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 200 मीटर, 200 मीटर लगभग है, और हाईवे है NH-74 कहते हैं उसको वाला है, और वहाँ से आगे चल के फिर तो फोर लाइन बनी है, वो चारों तरफ आने जाने का रास्ता बहुत आसान है। अगर हम ये कहें कि दिल्ली से भी अपनी सवारी से कोई आना चाहता है तो वो लगभग 1.5 दो घंटे में आसानी से आ जाएगा। ये नगीना शहर के पश्चिम साइड में नजीबाबाद शहर है, थोड़ी दूरी पर है, ज़्यादा बहुत बड़ा यहाँ पास, हर शहर आसपास में 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इधर उधर धामपुर है लेफ्ट साइड में, और आगे जाएंगे ये रेलवे फाटक पार करके जाएंगे कोतवाली आएगा, यानी कि बिजनौर से लगभग 30 किलोमीटर, और यही वाली रोड हम कहते हैं बड़ापुर है। यहाँ बड़ापुर बड़ा फेमस जगह है, बड़ापुर टूरिज़्म बनना जा रहा है, बहुत बड़ा काम आने जा रहा है। ये सब कुछ यह शहर के लिए, आसपास के लिए बहुत बढ़िया मौके की जगह है। साथियों से यही कहूँगा कि जिस किसी भाई को कुछ लेना हो, या मैं मास्टर शराफत हुसैन आपसे यही कहूँगा कि भाई देखिए, मेरा काम जो मेन है वो यही है कि आप तक जो साथी लोग जो हमारे बेचने वाले वो बेच रहे हैं, आप तक और मिल जाए, आपको मिल जाएगी, मिल गई होगी, मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपके पास भी अगर कोई इस तरह की प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हो, मेरा खास काम प्रॉपर्टी के है, 99% प्रॉपर्टी के काम में करता हूँ, और आप भी मौका उठाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। आप भी अपनी तरफ से कुछ बिछाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, मेरे बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारे यूट्यूब चैनल पर ही पड़ी है, उसका नाम है सहारा प्रॉपर्टी 50, यानी कि सादी जुबान में हम ये कहें सहारा प्रॉपर्टी 50, ये नाम है हमारा। ठीक है, ओके, मैं बस लास्ट में बात अपनी बात करना चाहते हुए, यह बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है आसपास में, चारों तरफ आबादी है, बहुत अच्छे मौके का जगह है। मैं लास्ट में से बता दूँ, ये प्लॉट है बहुत अच्छे, यहाँ पर शोरूम वगैरह, ये अपनी अंदर कितनी बढ़िया हवेली बनाई है, और
ये फ्लोटिंग यहाँ आपने गाड़ी खड़ी करिए, गाड़ी का रास्ता बनेगा आपका बढ़िया, और जनरल रास्ता आपका ये रहेगा सभी भाइयों का, है ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू।